राजधानी दिल्ली में शाहदरा जिले के कृष्णा नगर इलाके में दूध सप्लाई के लिए जा रहे एक दूध कारोबारी को उसके घर के बाहर ही बदमाशों ने गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल कारोबारी को मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जाँच की जा रही है, आस पास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि बदमाशों की पहचान हो सके। शुरुआती जांच में सामने आया कि आपसी रंजिश की वजह से वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस के मुताबिक घायल की पहचान कृष्णा नगर थाना इलाके के गोंडली निवासी जीतू चौधरी के रूप में हुई। सुबह तकरीबन 6:30 बजे जीतू चौधरी अपने घर से दूध सप्लाई करने के लिए जा रहा था, तभी स्कूटी सवार बदमाशों ने गोंडली चौक के पास उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में 3 गोली जीतू चौधरी को लगी, जिससे वो वहीं बेसुध होकर गिर गया। तीनों बदमाश फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जीतू चौधरी को अस्पताल में दाखिल कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक कुछ देर बाद ही शकरपुर टी पॉइंट पर थाना शकरपुर के पुलिस स्टाफ ने देखा कि स्कूटी पर 3 लोग गलत साइड से आ रहे हैं। उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की और स्कूटी फिसल गई और वे सभी गिर गए और भाग गए। एक आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा, बाकी 2 आरोपी मौके से फरार हो गए।